आपने अभी एक क्लिप देखी होगी, ये मैक्सिको जिम से है। वीडियो क्लिप मैंने कल ही देखी, ये मैक्सिको जिम्स की वीडियो है एक। वहां पे क्या हुआ, एक लड़की की डेथ हो गई। बेसिकली स्क्वाट रैक पे 160 kg वेट पड़ा हुआ था, मींस 80 80 kg ऑन ईच साइड। तो वहां ये लेडी आई और एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हैपन एंड शी डाइड ऑन स्पॉट। कुछ बातें आपको समझाना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आप और आपके चाहने वाले सेफ रह सके। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक बड़ा मोटा सा आदमी है, जो कि शायद इससे पहले यही इस वेट से स्क्वाट कर रहा होगा। और उसके साइड में या उसके पीछे वहां दो लड़कियां खड़ी हैं जो इसको देख रही हैं, और जो ये वेट रखा है उसको भी देख रही हैं। और फिर ये लेडी आती है, अपने शोल्डर पे इस वेट को उठाती है और एकदम से ये नीचे गिर जाती है। और उसका जो पूरा वेट था उन लेडी के पूरे नेक पे पड़ता है, जिससे शायद उनकी ये पाइपलाइन एकदम से दब जाती है और वहां पे उनकी एकदम डेथ हो जाती है। जो ये बिगिनर्स होते हैं, जो ये न्यूबीज होते हैं, कोई उनके जिम में 10 या 5 साल से ट्रेनिंग कर रहा होता है, वो वेट उठाता है। लेकिन जो वो बिगिनर होता है, वो उस वेट को देख के कॉपी करने की ट्राई करता है कि हाँ मैं भी क्या वो उठा सकता हूँ, कि हाँ मैं भी उसके जितना स्ट्रांग बन के इन सबको दिखाऊंगा। सिर्फ शो ऑफ के चक्कर में वो इतनी सारी इंजरीज करवा लेते हैं, और कभी कभी ऐसे ऐसी इंजरीज होती हैं जिन एंड दे हैव नो आइडिया कि वो कितना वेट हो सकता है या उनसे उसको कितनी ज्यादा इंजरी हो सकती है, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होती, कुछ नहीं पता होता, और जाके सिंपली खुद को बस शो ऑफ करने के चक्कर में ऐसे ऐसे काम कर बैठते हैं। ये मिस्टेक मैंने बहुत 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 बार देखा है। अब देखो, अब आते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। अगर मेरे जिम में कोई लड़का या कोई लेडी ऐसे कर रही होती, तो मैं उसको जरूर वॉर्न करता कि मैम ऐसे मत कीजिए। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर हम किसी को वॉर्न करते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ भी समझाते हैं, तो एकदम से ऑफेंड हो जाता है ना, कि यानी तू कौन होता है मुझे ऐसे कहने वाला, कि मुझे तो पता है सब, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसी वीडियोस कई बार पहले भी देखी जा चुकी हैं, कि कभी बंदी की नेक बैंड हो गई, कभी शोल्डर पे हो गया कुछ इंजरी, कभी बेंच प्रेस करते हुए यहाँ चोट लग गई। सिर्फ बिगिनर के साथ ही नहीं, जो एडवांस लेवल के होते हैं, जो काफी टाइम से करते हैं, ज्यादा वेट होने के रीजन से ही उनकी इंजरी होती है। मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ जिसमें ऐसा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अच्छे खासे बिल्डर्स लग रहे हैं दिखने में, और सिर्फ वेट के चक्कर में ही इन्होंने अपनी एक शोल्डर पे इतनी इंजरी करवाई। लेकिन अब ये वीडियो देख के मुझे इतना बुरा लग रहा है, क्योंकि वो जो लेडी है वो किसी की मदर हो सकती थी, किसी की सिस्टर हो सकती थी, किसी की वाइफ हो सकती थी, या किसी की आसपास वाली हो सकती थी। और उनको क्या पता कि मेरी मदर या मेरी सिस्टर जाएगी जिम में। वो सिर्फ ऐसे ही थोड़ा शो ऑफ करने के चक्कर में वीडियो उठा के, और एकदम से उसकी डेथ हो जाएगी। सोचो घर वालों को कैसा लगता होगा इन सब चीजों में, क्योंकि आजकल के लेडीज वगैरह भी, सब लड़के वगैरह भी शो ऑफ के चक्कर में बहुत ज्यादा होते हैं, कि भाई तू कितना वेट उठा रहा है कितना नहीं। मुझसे भी और मुझे भी कहते हैं कि बस इतना वेट उठा लेता है तू, तू इतने टाइम से कर रहा है बस इतना वेट, क्योंकि मुझे पता है कि ज्यादा वेट इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर अगर मैं वेट उठाता भी हूँ, तो जैसे आपने देखा होगा कुछ वीडियोस में मैं बेंच प्रेस करता हूँ 20 20 kg इधर और इधर, तो आपने देखा होगा मेरे पीछे एक भैया खड़े होते हैं जो हर वक्त सपोर्ट में रहते हैं। और जो वो मैंने डेडली वाली वीडियो डाली, इसमें काफी ज्यादा वेट था मेरे हिसाब से भी, तो उसका सिर्फ मैंने एक रैप लगाया था, अंदर मेरे बेल्ट थी, हाथों में मेरे सपोर्टर स्ट्रिप्स थी। इस वीडियो का बनाने का माध्यम मेरा सिर्फ एक है, कि जिम के अंदर जाने से पहले अपना ईगो जिम के बाहर फेंक के आओ। जिम के अंदर कभी कुछ शो ऑफ मत करो। मैं काफी टाइम से जिम करता हूँ, लेकिन इतना शो ऑफ मत करो कि हाँ कि स्टोरी लगाने के चक्कर में, ये लगाने के चक्कर में, खुद को दिखाने के चक्कर में ऐसी चीज करवा लो जो कभी कभी सही ना हो सके। शायद आप इंजरी इतनी ज्यादा हो कि फुल लाइफ टाइम बेड पे पड़े रहना पड़े, या जैसे कि आपने देखा इस क्लिप में, उनकी तो सिर्फ सीधा वही, मतलब वही डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। तो प्लीज सेफ रहें, और अगर आपका कोई आसपास वाला जिम जाता है जाती है, इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो या कुछ थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, सी यू नेक्स्ट वीडियो।